जी सर बताइए, मंदिर में क्या पूजा पाठ नहीं किया जा रहा अभी? अभी 4-5 दिन से शनिवार के बाद बिल्कुल पूरी तरह से बंद है, और मैं समाज को, हम किसी का निराकरण करने वाले लोग नहीं हैं, संत समाज का हर लोग आदर करते हैं, लेकिन ये जो 3-4 दिन पहले दृश्य पेश आया, मैं मीडिया वालों से दरखास्त करता हूं कि जो मीडिया है ये हिंदुस्तान का एक स्तंभ है जो जानकारी देता है और सच की बुनियाद पे काम करता है, और उस समय एक तरफा सुना गया, दूसरे पक्ष की बात ना मंदिर कमेटी की बात सुनी गई। मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर है कि मैं उस इलाके का म्युनिसिपल काउंसिलर हूं, मेरा मध्यस्थता करना वहां बनता था, क्योंकि मंदिर कमेटी कहती है कि ये गलत काम हो रहा है, और काउंसिल का क्या काम होता है? झगड़ा रोकना, ना कि झगड़ा करवाना। जो वहां पे व्यवस्था बनी, एडमिनिस्ट्रेशन आई वहां पे, हम नहीं चाहते कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसके शरीर के साथ कुछ इस तरह का खराबी हो, लेकिन इसीलिए मैंने हर चीज को देखते हुए थोड़ा सा जरूर वहां पे कहा कि भाई इस तरह साधु समाज का निराधार। लेकिन जैसे सब लोगों ने आपको बताया, यहां अनेक मंदिर हैं, शिव मंदिर अशोकनगर, शिव मंदिर अशोकनगर, ये अशोकनगर मोहल्ला यहां बैठा हुआ है, सारे यहां के रेजिडेंट्स हैं, वहां के जो लोग वहां आए थे, कोई मुट्ठी से है, कोई आरसपुरा से है, कोई दबाना से है, कोई बिश्नाह से है, कोई विजयपुर से है, सरोर से है। एक बात आपकी जानकारी के लिए मैं जरूर बताऊंगा कि रिटायरमेंट के बाद ये अपने गोविंद राम जी, इन्होंने सरोवर में अपना मंदिर बनाया हुआ है वहां पे। अगर ऐसी बात थी, कोई बड़े ज्ञानी लोग हैं तो जरूर समाधि वहां लेनी चाहिए थी, मंदिर की जगह मंदिर ही बनना चाहिए, मंदिर की जगह समाधियां बनेगी, ये मंदिर कल को समाधि स्थल कहलाएगा। सातवें मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, बंसी जी का मंदिर है, राम दरबार मंदिर है, राम मंदिर शास्त्री नगर है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। लोग पूजा अर्चना करते हैं, भंडारे होते हैं, यहां बताया गया वार्षिक 2 भंडारे होते हैं, एक हमने और जोड़ा है वहां शनिदेव का मंदिर बनाया, तीसरा भंडारा भी वहां होता है, खर्चा होता है, हर चीज मैनेजमेंट कमेटी संभालती है, लेकिन इसके बावजूद, काम करने के बावजूद आरोप लगाना, कौन लोग जो मैंने बताया विश्वास से, सरोवर से, आरसपुरा से, मुट्ठी से आके उल्टा इल्जाम लगाते हैं कि पवन सिंह यहां पे दुकानें बनाना चाहता है। अगर ये दुकानें बनानी होती, मेरे पिताजी भी इस कमेटी के मेंबर हैं, 1974 में जब मंदिर ये बना था, आज कितने वर्ष हो गए, 46 वर्ष में एक भी दुकान नहीं। आप मीडिया के यहां पे 2 फरलांग दूर मंदिर है, आप जाके देख सकते हैं, 1 इंच भी अगर किसी तरह की वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी हुई हो तो मैं जिम्मेदार हूं एज ए कॉर्पोरेटर या ये कमेटी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बताया जा रहा है कि ये लैंड ग्रैबर है। भाई साहब, आप लोगों के माध्यम से, ये अशोकनगर मोहल्ला जो मेरा जन्मस्थल है, मुझे समझ नहीं आती, तरफा पक्ष लिया और सुना, दूसरे को पूछा नहीं। मैं हमेशा हाजिर रहता हूं, मैं वहां गया था, 2 घंटे मैं वहां पे रहा, मध्यस्थता की कि लोग झगड़े ना, हम लोग समाज को क्या दिशा नहीं देते हैं। एज ए म्युनिसिपल काउंसिलर मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है कि हम लोग समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, ना कि कोई खलल डालने वाले या कब्जा करने वाले। हम वही लोग हैं जिन्होंने करप्शन का मुद्दा जम्मू शहर के अंदर उठाया था, और करप्शन के लोग के चक्कर में कई सस्पेंड हुए, पैसे भी बरामद कराए थे। मैं वही पवन सिंह हूं जिसने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था, आज तक 40 सालों से चलता था, इसने जरूरत तक नहीं की थी, जरूरत की, पकड़े गए लोग, बंद हुआ, समाज को दिशा देने की तरफ हम बात करते हैं, और ऊपर से हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि भाई ये लैंड ग्रैबर है। भगवान की दया, आप भी सब जानते हैं जहां मैं रहता हूं, क्या इंसान को चाहिए होता है, दाल रोटी चले, बस इससे ऊपर कुछ नहीं चाहते। लेकिन कोई भी लोग अगर इस तरह का जो व्यवहार कर रहे हैं कि मंदिर पे आके कब्जा करना, ये भूल जाए, मंदिर पे मोहल्ला कब्जा नहीं करना देगा। ये जो मोहल्ला का मंदिर है, शिव मंदिर अशोकनगर, शिव मंदिर अशोकनगर वासियों का मंदिर है, उन्होंने बड़ी जद्दोजहद के बाद 40 वर्ष पुरानी सबने कुर्बानी दी है वहां पे, वो मंदिर बना, पैसे खर्चे वहां पे, जद्दोजहद की, आज वो मंदिर तैयार है और मंदिर में लोग सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ये सिंगल मंदिर है अशोकनगर में।